सूरज मोहन झा की तरफ और जानकारी हासिल करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है सदन के भीतर। सूरज, झमाझम बारिश हो रही है, उसके बीच भी सूरज रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल प्रतिबिंब, आज मौसम सुहाना है और बारिश का मौसम है, उस बीच में हम मौजूद हैं आज के लोकसभा की कार्रवाई की अपनी रिपोर्ट को लेकर। अगर प्रतिबिंब बात करें आज की कार्यसूची की, अगर लोकसभा की, तो आज चार महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो कार्यसूची में शामिल हैं। अगर हम बात करें कल का दिन काफ़ी ऐतिहासिक रहा था, हमने देखा अगर भारत के लिहाज से कहा जाए, और कहीं ना कहीं इतिहास में उसने अपना नाम दर्ज कराया है, और आज का दिन भी उसमें जो है जुड़ने वाला है। आज अगर निचले सदन की सहमति जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और उस संकल्प से को मिल जाती है तो आज इतिहास में नाम दर्ज होने वाला। अगर हम कल से लोकसभा के कामकाज को देखें प्रतिबिंब, तो कल हमने देखा था कि दो विधेयक को पुनः स्थापित किए गए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर न्यायाधीशों की संख्या और चिटफंड से जुड़ा हुआ एक विधेयक था। उसके बाद हमने देखा था दो विधेयक जो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा गए थे, मोटरयान विधेयक और भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग से जुड़ा हुआ एक विधेयक, उस पर राज्यसभा ने कुछ संशोधन सुझाए थे। उन संशोधनों पर कुछ जो है विचार करके कल उन दोनों को पारित कर दिया लोकसभा ने, और उसके बाद तीन विधेयकों को चर्चा के लिए लिया गया। सबसे पहला विधेयक वैसे तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या से जुड़ा हुआ था, लेकिन राज्यसभा में उस समय जम्मू कश्मीर को लेकर जो संकल्प था उस पर और विधेयक से जुड़ी हुई चर्चा शुरू हो गई थी, और कानून मंत्री उस समय ऊपरी सदन में मौजूद थे, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि सबसे पहले जो है वो ट्रांसजेंडर से जुड़े हुए विधेयक को लिया जाए। और कल फिर ट्रांसजेंडर विधेयक पर कल चर्चा हुई, जिस पर तमाम सांसदों ने अपनी राय रखी, और जो उभयलिंगी लोग हैं उनके अधिकारों की का संरक्षण किस तरह हो उससे जुड़ी हुई अपनी बातें कहीं सलाहें दी, और पर्याप्त चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा था सरोगेसी विधेयक को लिया गया, जिसमें भारत में जो एक सरोगेसी गैरकानूनी तौर पर कमर्शियल सरोगेसी एक बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा था, उस पर किस तरह से लगाम लगे और उन दंपतियों को जो निसंतान रह जाते हैं उनको इसका लाभ मिले, उसको लेकर उस विधेयक को लाया गया। इस पर पर्याप्त चर्चा हुई, कई सुझाव भी मिले और उसे भी चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। उसके बाद हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के सदन में आए और राष्ट्रपति के आदेश का जो संकल्प था, जिसमें धारा 370 से जुड़े हुए कुछ प्रावधानों को हटाने की बात कही गई, उसे उन्होंने सदन में रखा। उसके बाद वो सदन से चले गए, और मगर विपक्ष के सांसदों ने, खासतौर से कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने और एआईएम असदुद्दीन ओबीसी की जो पार्टी है, उन्होंने इस पर अपना विरोध जताया, और वो कुछ उनके अपनी बातें जी वो सदन में रखना चाहते थे, उसको लेकर थोड़ी देर हंगामा रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने उसको लेकर अनुमति उनको कुछ बोलने के दी और कहा कि कल, और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात की, उन्होंने कहा कि कल इस पर पर्याप्त चर्चा, संकल्प और साथ में जो दो विधेयक जुड़े हुए हैं उन पर चर्चा होगी, और गृहमंत्री विस्तार से जो भी मुद्दे हैं विपक्ष के उसे वो रखें कल सदन में चर्चा के बाद, उसके जवाब दिए जाएंगे। उसके बाद हमने देखा तीसरा जो विधेयक था न्यायाधीशों की संख्या से जुड़ा हुआ, उच्चतम न्यायालय को जिसमें 30 से 33 न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी, उससे जुड़ा हुआ विधेयक लिया, वो पारित किया गया। और हमने कल फिर देखा शून्यकाल, जो इतिहास इस 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में रच रहा है, कल भी 74 से ज़्यादा मामले सदन में उठाने का मौका मिला। आज हम उस कड़ी में हम आगे की तरफ देखते हैं, आज सदन की जब कार्रवाई शुरू होगी तो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ जो संकल्प है, जो राष्ट्रपति का आदेश है, उसे सदन में रखा जाएगा, साथ में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन जो दूसरा विधेयक, उसको तीनों को क्लब करके लिया जाएगा। और जो कल हमने देखा था उस पर विस्तार से ऊपरी सदन राज्यसभा में चर्चा हुई थी, उसमें आज लोकसभा जो निचला सदन है उसकी की सहमति मिलती है। वैसे अगर हम संख्या बल के हिसाब से देखें तो पर्याप्त बहुमत सरकार के पास यहाँ पे लोकसभा में मौजूद है, ऐसे में आज जो चर्चा होगी काफ़ी रोचक होगी, क्योंकि हमने देखा इसमें धारा 370 के कई प्रावधानों को हटाने की बात कही गई, और जो पुनर्गठन विधेयक है उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा हटा के दो केंद्रशासित प्रदेशों में तब्दील करना है, लद्दाख जहाँ गैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, उस तरह का एक प्रदेश होगा, उसको से जुड़ा हुआ विधेयक है। और तो हम उम्मीद करते हैं आज उसके ऊपर पर्याप्त चर्चा होगी, और उसके बाद इसे अगर हम संख्या बल के लिहाज से अगर हम सदन की कुछ संख्या को देखें तो आज पारित करा लिया जाएगा। उसके अलावा चिटफंड से जुड़ा हुआ एक विधेयक है, जिसमें जो हम देखते हैं हमारे देश में चिटफंड के कई घोटाले सामने आते हैं, निवेशकों के पैसे जो है वो फंस जाते हैं, और हमने कई तरह के इसको लेकर स्कैम देखे हैं, तो उस पर किस तरह से लगाम लगे, चिटफंड उद्योग को भी नियमित किया जाए और निवेशकों का पैसा भी बचा रहे, वो विधेयक भी आज कार्यसूची में, उसके साथ में एक डीएनए से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विधेयक भी कार्यसूची में है। प्रतिबिंब, हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा बता रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है आज।